नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें बेहतरीन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स मैं आप लोग के लिए लेके आता हूं, जो कि नेक्स्ट वीक 10-15 दिन में अच्छा परफॉर्मेंस करके दें। उस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसमें क्या यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न का ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकआउट के बाद हमारे टारगेट क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, जो आज का हमारा जो स्टॉक है वो है डॉक्टर लालपैथ लैब। लालपैथ लैब हमारा स्टॉक्स है। अब इस स्टॉक्स में देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, क्या क्या पैटर्न बने हुए हैं और इस पैटर्न का टारगेट हमें कैसे और क्या मिलेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर डॉक्टर लालपैथ को देखिए तो वीकली डेली चार्ट पे यहाँ पे पहले हम चले आते हैं। अब यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें, पहले मैं इसको आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे देखिए, ये स्टॉक ने क्या किया है, एक रेंज बना के रखी है और इस रेंज का लोअर पॉइंट हमने मान लिया वो है 1000 के आसपास का, यानी 1000 के पास में इस स्टॉक्स पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस यहाँ पे बना हुआ है 2019 का। यानी 2019 में जब इसने 1000 का लेवल क्रॉस किया तो एक आध दिन मुश्किल से देखा जाए तो नीचे था, उसके बाद ये कंटिन्यू इस लेवल के ऊपर ही बना रहा और इसी लेवल के ऊपर ये कंटिन्यू स्टॉक्स यहाँ पे चलते हुए दिख रहा था। ऊपर की तरफ देखा जाए तो इसने एक चैनल बना लिया था, इस ट्रेंड लाइन के अप साइड को ये ब्रेक नहीं करता था। जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के पास में जाता था यहाँ से स्टॉक्स में एक गिरावट हो जाती थी, यानी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी हो जाता था तो स्टॉक्स वापस नीचे की तरफ मूव कर जाता था। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम ये माना हमने, सेकेंड टाइम और ये भी लगभग इसी के आसपास पहुंचा हुआ है, तो ये थर्ड टाइम और ये देखिए फोर्थ टाइम, तो चार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाता था, इसको टच करता था और टच करके वापस ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर लेता था। तो ये इसका ऊपर की तरफ का ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका था, इस रेजिस्टेंस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अब नीचे की तरफ से देखा जाए तो नीचे की तरफ भी देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें मे से, तो ये लगभग इस ट्रेंड लाइन के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था। स्ट्रांग सपोर्ट तो 1000 का हाई है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पर भी देखा जाए तो इसके ऊपर भी इसने 1050 पे भी एक स्ट्रांग सपोर्ट धीरे धीरे इसने बेस बना लिया है और उस बेस को बना करके यहाँ पे देखिए इस चैनल के अप, इस चैनल के ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया है फ्राइडे के सेशन में। यानी फ्राइडे के सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, बाकी दिनों का वॉल्यूम देखिए तो बाकी दिनों के वॉल्यूम से यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो काफ़ी वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखने को हमें मिलेंगी, तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक पहले देखिए। और दोस्तों, अगर जो भी सज्जन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये तो पहला ही हो गया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट के ऊपर कंटिन्यू जाके ये स्टॉक्स होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद में इसका एक लंबा टारगेट इसका निकल के आएगा। तो पहला ये हो गया। अब दूसरी चीज़ें देखिए, इस स्टॉक्स में क्या हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। इस खराब मार्केट में भी स्टॉक्स ने ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अपने 52 वीक हाई के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है स्टॉक्स। अभी मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ, तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, अपनी एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे इस स्टॉक को देखा जाए तो ये स्टॉक्स क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स मान लीजिए हमने ये बना दिया, एक यहाँ पे पोल बना दिया और इसका हमने कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इसकी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, जिसका ट्रेंड लाइन ये आ रही और एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ये ले ली, एक दिन का छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो इस फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट बहुत अच्छे से ब्रेकआउट इसने फ्लैग पैटर्न का दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया वॉल्यूम के साथ में, तो फ्लैग पैटर्न का एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट हमें मिला हुआ है डॉक्टर लालपैथ लैब में। तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हमें चैनल का मिला, दूसरा ब्रेकआउट हमें फ्लैग पैटर्न का मिला हुआ है और तीसरा ब्रेकआउट देखिए काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ पर, जो भी एनालिस्ट इसको जो भी फॉलो करते हैं, कोई फ्लैग पैटर्न फॉलो करता होगा, कोई चैनल करता होगा, कोई यहाँ पे देखा जाए तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मैं मानता हूँ ये हमारा हो गया कप और ये हमारा हो गया यहाँ पे देखिए हैंडल, थोड़ा सा ऊपर है, प्रॉपर नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न हमने माना इसको और यहाँ से हमने इसको ये लाइन दे दी और ये लाइन का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट हमें ये मिल चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है, कप विथ हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया हुआ है। यानी थोड़े से और चार्ट को हम और अच्छा करके देखेंगे तो यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पर फिर से हमें मिल गया है, एक राउंडिंग आप समझ लीजिए, राउंडिंग के लिए कप विथ हैंडल पैटर्न का भी हमें ब्रेकआउट मिला हुआ है,
चैनल का हमें ब्रेकआउट मिला हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा वीकली एनालिसिस करते हैं, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा निकाल देते हैं, तब आपको चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी और इसका टारगेट बहुत बड़ा टारगेट निकल के आएगा। और एक चीज़ आप मान के चलिए कि ये समझ के आप चलिएगा कि मेरी इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो मैं आपको एक डिस्क्लोजर पर दे दूँ कि मेरी इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हो सकता है मैंने इसको फ्राइडे के सेशन में लिया हो स्टॉक्स को, और आज आप लोग को मुझे चार्ट पे अच्छा लग रहा है तो आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, मेरे कहने पे मत जाइएगा। हो सकता है मेरे पास है इसलिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस पे चार्ट पे क्या हो रहा है वो चीज़ें आप लोग को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बड़े चार्ट पे यानी स्टॉक्स की लिस्टिंग हुई है 2016 में, और स्टॉक्स ने एक 2017 में हाई लगाया हुआ है। ये जो हाई लगा हुआ है वो है हाई 1280 का। इस कैंडल का जो हाई देखा जाए वो हाई है 1270 का, इस कैंडल का हाई है वो 1276 का, और इस कैंडल का हाई देखा जाए तो वो है 1267 का। यानी 1270 से लेकर 1280 के बीच का स्टॉक ने एक हाई लगाया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इस स्टॉक ने कभी भी 1200 के ऊपर क्लोज नहीं किया है। वीकली चार्ट में ये स्टॉक 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 टाइम ऊपर गया है, लेकिन कभी भी इसने क्लोज नहीं किया है इस लेवल के ऊपर। यानी 1200 के ऊपर स्टॉक्स ने कभी भी यहां पे क्लोजिंग नहीं दी है। अब इसने पहली बार क्या किया, स्टॉक्स ने 1200 के ऊपर जाके क्लोज दिया है। अब ये छोटे मोटे जो रेजिस्टेंस है जैसे कि 80 का 70 का, अगर एक बार स्टॉक्स ये 40 पॉइंट निकाल लेता है तो इस स्टॉक्स में आपको बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए पूरे चार्ट पे यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर भी आपको एक कप विथ हैंडल पैटर्न मिलेगा वीकली चार्ट पे, जो कि बहुत पॉजिटिव हम लोग देखते हैं। वीकली चार्ट पे अगर कप विथ हैंडल पैटर्न हमें मिलता है तो काफ़ी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, और बहुत बड़े चार्ट पे इसका ब्रेकआउट यहाँ पे होके निकला है कप विथ हैंडल पैटर्न का। तो स्टॉक्स में थोड़ी सी जो दिक्कत होगी वो 60-70 के आसपास में, जैसे ही वो लेवल ये स्टॉक निकालेगा उस स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी दिखेगी। बड़ी तेजी का मतलब कि इस स्टॉक्स का टारगेट मुझे लगता है यहाँ से कम 350 से 400 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे। यानी 950 और 1200 यानी 250 300 से मान के चलिए कि मिनिमम 300 के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे डॉक्टर लालपैथ में। यहाँ पे अभी स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है वो 1244 है, हमें करंट प्राइस में भी ले सकते हैं, या फिर स्टॉक्स अगर मान लीजिए अगले दिन कुछ गैप डाउन ओपन होता है, कुछ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी होता है, तो स्टॉक्स अगर 1180 से 1220 के बीच में मिले तो हम इस स्टॉक्स को और ऐड करेंगे और लेंगे, और जो हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो लगभग 1550 से लेकर के 1700 के बीच में हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा स्टॉक जो टारगेट हमारा है 1500 से लेकर के 1700 के बीच में टारगेट निकल के आएगा। नहीं, फर्स्ट टारगेट तो हमने यहाँ मान लिया कि फर्स्ट टारगेट हमारा 1500 है और सेकंड टारगेट हमें इस पे 1700 का लगाना है। जो वेटिंग है थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा आपको। अगर 1 मंथ रखते हैं तो मेरे ख्याल से शायद ये आप अगर 21 से 22 दिन इसको होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से या मेरी एनालिसिस की रिसर्च के हिसाब से ये आपको 1500 वाले टारगेट तो शायद ये 20 से 21 दिन के अंदर के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये स्टॉक दे देगा। जो इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ध्यान रखिएगा वो स्टॉप लॉस हमारा 1150 के नीचे का क्लोजिंग रखना पड़ेगा। यानी अब मैं इसको डेली चार्ट पे लेके आता हूँ तो हमें 1150 के नीचे का क्लोजिंग यानी मान के चलिए कि 1130 से 1135 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें लगाना पड़ेगा। स्टॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये स्टॉक किसी भी कंडीशन में 1180 से 1220 के बीच 1220 के बीच में मिलेगा तो स्टॉक्स को मैं और ऐड करूंगा और वेट करूंगा अपने टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस हमें 1150 के नीचे का क्लोजिंग लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा अब ये क्लियर कट एक देखना है तो 1130 का नीचे अगर जिस दिन क्लोज करते हुए दिखेगा उस दिन मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा। यानी स्टॉक में मेरा रिस्क 100 रुपए का है और टारगेट लगभग मुझे इस पे 350 से 500 के बीच के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर लालपैथ में। तो डॉक्टर लालपैथ में नज़र बना के रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है, 20 और 30 दोनों डीएमए के ऊपर ये कंटिन्यू अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी मूविंग एवरेज भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेगा और यही मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस है 30 का मूविंग एवरेज। 200 और 100 डीएमए के भी ऊपर स्टॉक चल रहा, बार बार देखिए 100 डीएमए के आसपास आता है और यहीं पर सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक कर लेता है। तो अगर किसी को बड़े चार्ट पे बड़ा होल्ड करना है स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मान लीजिए आप साल डेढ़ साल के लिए होल्ड करते हैं, तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1080 के नीचे का क्लोजिंग होगा। हमारा जो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा व्यू है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1130 का रहेगा यहाँ पे।
एक बार फिर से हमें स्टॉक इसी करंट प्राइस पे खरीदना है या फिर 1180 और 1180 और 1220 के बीच में मिले तो हमें और ऐड करना है। अगर आपको 1000 रुपये का खरीदना है, एक मान के चलिए कि अगर आपको 10000 का खरीदना है तो मेरे ख्याल से 5000 का हम पहले खरीदेंगे और वेट करेंगे। अभी किसी भी कंडीशन में मार्केट अप डाउन होता ही रहता है, तो इस कंडीशन में 1180 और 1220 के बीच में मिलेगा तो हम इस स्टॉक्स को और ऐड करेंगे। हमारा टारगेट जो है पहला 1500 और फिर 1700 के टारगेट के लिए हम इसको वेट करेंगे। जैसा कि बताया है वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और फर्स्ट टाइम जाके ये 1200 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक सस्टेन करेगा और बहुत तेजी से यहाँ पे ये मूवमेंट करते हुए आपको दिखेगा, तो इस पर नजर बना के जरूर रख सकते हैं। देखिए पॉजिटिव है, मंथली चार्ट पर भी देखें तो पॉजिटिव है, कंटिन्यू 4 या 5 मंथ से देखिए कंटिन्यू ग्रीन में ही क्लोज कर रहा है, यानी मंथली चार्ट पे स्टॉक्स में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जैसा कि मार्केट इस समय बिहेव कर रहा है, ये मार्केट के अपोजिट चल रहा है बिल्कुल डॉक्टर लालपैथ, तो यहाँ पर नजर बना के रखिए। और दोस्तों ये सारी वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।